एज अ बिगनर मेरी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज वो बहुत ज्यादा हो। दो ब्रेड के स्लाइस लेने हैं आपने, और वो भी होल व्हीट ब्रेड। क्या आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कि आपको एज अ बिगिनर दिन भर क्या खाना चाहिए मसल बिल्डिंग करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, फिट रहने के लिए? तो अगर आपको ये कंफ्यूजन रहता है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब जिस तरीके से हमने बिगिनर्स के लिए सारी एक्सरसाइजेस, हर दिन की एक्सरसाइजेस के बारे में पूरी सीरीज बनाई थी, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फुल डे ऑफ ईटिंग, जो आप एज अ बिगिनर इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो इंटरमीडिएट लेवल तक भी इसको खींच सकते हैं। इस तरीके के मैं आपको आज मील्स बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या अच्छा लगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि एज अ बिगिनर आप लोगों के लिए कैलोरीज को काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगती है और कैलकुलेशन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस ऐसे डाल रहा हूं जिससे आप कैलकुलेशंस, कैलोरीज को कैसे निकाला जाता है, मेंटेनेंस कैलोरीज को, वो सीख सकते हैं, और फिर मैक्रोज में कैसे डिवाइड किया जाता है वो भी सीख सकते हैं। लेकिन सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं तो आपको सिर्फ आज पोर्शन साइजेस, यानी कि कितना उसका साइज है क्वांटिटी का, कितना कप, कितने स्कूप, ये सब चीजें याद रखनी है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो, आपके फूड्स ना ज्यादातर चेंज नहीं होते, सिमिलर फूड्स ही रहते हैं। हेल्दी फूड्स जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, बस उनकी क्वांटिटीज और टाइमिंग थोड़ी बहुत चेंज करती है। तो सबसे पहले आता है आपका मील, वो है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आप यहाँ पे ले सकते हो ओट मील। अब देखो, ओट मील मैं बहुत टाइम से बताते हुए आया हूँ कि एक ऐसा मील है ना जो आपको दिन भर में सस्टेन्ड एनर्जी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, इसलिए एनर्जी आपको बराबर मिलती रहती है, और साथ ही साथ प्रोसेस नहीं है, तो आपको कोई आपकी ब्लड शुगर स्पाइक होना, इंसुलिन स्पाइक होने जैसे प्रॉब्लम नहीं होते। तो एज अ बिगिनर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलाने हैं मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। सबसे पहले आप मिलाना ओट्स, प्लेन ओट्स। चाहे तो आप मसाला ओट्स बना सकते हो, लेकिन लेना प्लेन ओट ही, उसमें आप नमक मिर्च ये सब डालनी है तो आप डाल सकते हो, ऑयल का इस्तेमाल मत करना। अब मान लो कि आप प्लेन ओट्स बना रहे हो, तो आपको कितना लेना है, लगभग डेढ़ स्कूप, जो आपका वे प्रोटीन का स्कूप होता है ना, उसका ही मेजरमेंट मैं बता रहा हूँ, 50 ग्राम, यानी कि आप 30 ग्राम का एक स्कूप होता है और उसके बाद थोड़ा सा और डालोगे तो लगभग 50 ग्राम के आसपास आपका वो ओट मील बन जाएगा। उसके अंदर आपको डालना है अपने लिमिट के हिसाब से, आधा बनाना या फिर एक बनाना आप डाल सकते हो, आधा एप्पल डाल सकते हो उसमें। उसमें आप थोड़ी सी मिठास के लिए रेजिन्स यानी कि किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हो, 8 से 10 किशमिश आप वहाँ पे डाल सकते हो, 8 से 10 एलमंड्स वहाँ पे डाल सकते हो यानी कि बादाम, उससे मिलेंगे आपको हेल्दी फैट्स जो आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग, हेल्थ, आपकी जो स्किन हेल्थ होती है उस सारी चीज़ों के लिए। और उसके साथ साथ जो आप ये किशमिश वगैरह डाल रहे हो ना, इसमें आपको बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, मिठास के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। इसमें आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस है, आधा गिलास आधा कप आप यहाँ पे दूध डालिए, थोड़ा सा फ्लेवर उसमें आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोटीन की, इंग्रेडिएंट इसमें बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो आप। अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो ऑलरेडी, तो आप इसमें थोड़ा वे प्रोटीन मिला सकते हो एक स्कूप के आसपास, जिसमें आपको 25 से 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। नहीं कंज्यूम कर रहे हो कोई बात नहीं, एज अ बिगिनर बिल्कुल फ्रेश हो, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करिए तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, दूध का इस्तेमाल करो, एक ग्लास दूध मिक्स करो, बढ़िया सा ओट्स बना के आप आराम से इसको खा सकते हो। इसमें दो और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, एक है कैश्यूज यानी कि काजू। काजू भी बहुत ही अच्छा एक ड्राई फ्रूट है जो इसमें फ्लेवर भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे बादाम की तरह। और इसमें डालना सिनेमन, दालचीनी पाउडर आता है, दालचीनी पाउडर एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, हर्ब है आप कह सकते हो, जो आपकी ओवरऑल जो ब्लड शुगर स्पाइक होने की प्रॉब्लम जिनको होती है, इंसुलिन स्पाइक की प्रॉब्लम होती है, उसको मिनिमाइज करता है, कंट्रोल रखता है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो ये हो गया आपका पहला ब्रेकफास्ट मील। अब देखो, सिंस ये बिगिनर के लिए मैं आपको मील्स बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको बहुत सारे मील्स नहीं दूंगा, 5-6 नहीं दूंगा आपको, मैं टिपिकल 3 मील्स देने वाला हूँ और बीच में एक स्नैक दूंगा। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मसल फटीग और स्टेमिना बिल्डअप को लेकर। अब देखिए, जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, वर्कआउट की बात करते हैं, चाहे आप बिगिनर हो, एडवांस हो या फिर इंटरमीडिएट हो, हम सभी को मसल स्ट्रेस बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से मसल फटीग बढ़ता है और रिकवरी में प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ स्टेमिना बिल्डअप में भी दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे में हम कई तरीके के नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि
न्यू हब्स का प्योर हिमालयन शिलाजीत। अब शिलाजीत को लेके काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया टेस्टोस्टेरोन आपका बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट इन रियलिटी ये एक ऐसा हर्ब है जो आपकी बॉडी में इंटरनल जो रिकवरी होती है ना उसको बढ़ाने में आपको हेल्प करता है और साथ ही साथ मसल फटीक को कम करता है, स्टेमिना बिल्डअप करने में आपको काफी मदद करता है। न्यू हब्स प्योर हिमालयन शिलाजीत एक प्योर शिलाजीत है जो हिमालयस के हाई एल्टीट्यूड माउंटेन से निकाला गया है और ये शिलाजीत में 84 से भी ज़्यादा नेचुरल ट्रेस मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी स्टेमिना और मसल रिकवरी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। इसमें मिलने वाला फल्विक एसिड विच इज़ प्रेजेंट अप टू 75% हेल्प करता है आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, जिससे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ ये आपके नेचुरल स्ट्रेंथ लेवल्स को इंक्रीज करता है और मसल बिल्डिंग में सपोर्ट करता है। न्यू हर्ब्स हिमालयन शिलाजीत एक NABL लैब टेस्टेड है, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह के हैवी मेटल्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये किसी के लिए भी कंज्यूम करने के लिए सेफ है। और अगर आप इसे अभी परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं और वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो दूसरा मील यहाँ पे आ जाता है आपका काइंड ऑफ कह सकते हो लंच, जो आप ब्रेकफास्ट के 2 या 3 घंटे के बाद आराम से लोगे। हो सकता है कि आप शाम को अगर वर्कआउट करते हो तो आपका 2-3 घंटे पहले वर्कआउट से पहले आप ये लंच वहाँ पे कंज्यूम करोगे। अब लंच बहुत ही सिंपल है। देखो घर पे जो भी दाल बनी होती है ना, कोशिश करना कि कम तड़के वाली हो या फिर बिना तड़के को तो और भी बेटर हो, क्योंकि जितना हम इस तेल मसालों से अपनी जो डाइट को थोड़ा दूर रखेंगे ना, उतना जल्दी हम शेप में आ पाएंगे एज अ बिगिनर। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब दाल आप कोई सी भी प्लेन दाल यहाँ पे इस्तेमाल करो, एक बोल के आसपास। देखो बड़ा बोल नहीं होना चाहिए, एक मीडियम साइज का बोल। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक प्लेट राइस। अब एक प्लेट राइस में हो सकता है कि 300 ग्राम राइस आ जाए, 350 ग्राम राइस आ जाए। आपके पास अगर फूड स्केल है तो बेस्ट है, उसमें आप अपनी प्लेट रखो, जीरो करो, उसके बाद डालो उसमें राइस। ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि वो 300 ग्राम है या 350 ग्राम है। बट अंदाजे से अगर आपको रखना है तो एक मीडियम प्लेट फुल आप ले लो, वो लगभग 300 से 350 ग्राम ऑफ राइस हो सकती है। ठीक है, ये कुक्ड राइस की बात कर रहा हूँ, पके हुए राइस की। उसके बाद आपने एक बोल दाल ले ली है, इसमें आप प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, दाल और राइस में तो मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे अगर वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे पनीर का इस्तेमाल कर सकते हो, 250 ग्राम पनीर। पनीर को आप किसी भी तरीके से पैन फ्राई कर लो या फिर पनीर की भुर्जी बना लो, हल्का सा अनियन टमाटोज डाल के, ग्रीन चिली डाल के, थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल के, थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल के आप बना सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप चेक करना पनीर भुर्जी की। उसी तरीके से आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो, एग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल 6 अंडे लेने हैं, 6 में से आप क्या करेंगे, 4 वाइट्स लेंगे, राइट, मतलब 4 की आप गोलियाँ निकाल देना और 2 यहाँ पे होल एग रखना, यानी कि 2 आपको योक्स लेने हैं और उसकी आप भुजिया बनाओ मस्त। सेम चीज़ डालनी है, अनियन टमेटोज, ग्रीन चिलीज, स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद आप उसको भुजिया बना के, ये कॉम्बिनेशन दाल राइस और पनीर या फिर एग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और एक छोटा प्लेट यहाँ पे सैलेड का, जिसमें ग्रीन सैलेड जो भी अवेलेबल है सीजन के हिसाब से, खीरा है तो खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो सीजन के हिसाब से वो आप लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा मील यानी कि लंच। इसके बाद आता है आपका तीसरा मील, वो है स्नैक। देखिए ये एक प्रॉपर मील नहीं है बट एक छोटा सा स्नैक है यहाँ पे, जो आपके लंच और आपकी ट्रेनिंग के बीच में आएगा, यानी कि शाम के बीच में आएगा और फिर रात को तो आप डिनर करोगे ही। तो ये स्नैक में आपको लेना है पीनट बटर सैंडविच। अब देखो पीनट बटर सैंडविच सोच रहे होगे बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसका बनाना, कुछ नहीं। ठीक है, 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं आपने, और वो भी होल व्हीट ब्रेड अगर मिलेगी प्रेफरेबली तो अच्छा रहेगा, मल्टीग्रेन भी ले सकते हो। तो उसको आपने वही गरम करना है और उसके बीच में लगाना है 1 स्पून पीनट बटर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 स्पून, जो लगभग आप कह सकते हो कि 15 ग्राम के आसपास 1 स्पून मीडियम स्पून में निकल जाता है। वो आपने स्प्रेड करना है आपके ब्रेड के स्लाइस में और उसके ऊपर डालना है आपको 1 स्लाइस एप्पल का। जब एप्पल पूरा होता है ना, एप्पल को आप बीच में से कट करोगे बिल्कुल सीधा सीधा तो बिल्कुल एक गोल स्लाइस बन जाता है, वो गोल स्लाइस को रख देना बीच में और उसके ऊपर से डालना है आपको सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, ठीक है, टेस्ट के लिए। दोनों को बंद करो और आपने वो स्नैक लेना है। आप चाहें इसके साथ ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। ये जो मील होगा आपका वर्कआउट से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आप इसको कंज्यूम करना। ये आप ऐसा समझ सकते हो कि ये प्री वर्कआउट मील आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो उसमें लेना है आपको कॉफ़ी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो इसके साथ और आप इसको इंजॉय करो। ये हो गया आपका तीसरा मील। अब भाई आप सारा वर्कआउट कंप्लीट करके आ गए हो, अब 1.5-2 घंटे बाद आप जो डिनर कंज्यूम करोगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब डिनर में आपको क्या लेना है यहां पे, रोटी विद, अगर आप वेजिटेरियन है तो सोयाबीन, और अगर आप
नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ पे चिकन करी। अब देखिए सोयाबीन और चिकन करी की रेसिपी ना सेम ही है, बस उसमें इंग्रेडिएंट बदल जाएगा। वैसा ही सूप वाला आपको सोयाबीन भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा उसमें पोटैटोज आलू डाल सकते हो, राइट, उसमें प्याज टमाटर डाल के आपने एक सूप टाइप की करी टाइप की बना दी सोयाबीन की, जो वो आती है ना सोया चंक्स उसकी। उसके साथ आपको लेनी है 2 होल व्हीट रोटी, यानी कि जो मेरी आटा जो हमारे घर पर होता है उसकी आपकी बनी हुई चपाती आपने लेनी है, ठीक है। उसके साथ हमें लेना है यहाँ पे एक ग्रीन सैलड, ठीक है, बढ़िया वही जो दिन में हमने खाया था उसी तरीके का। उसके साथ एक छोटे छोटे बोल में दही, ठीक है, दही बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, प्रोबायोटिक्स आपको मिलते हैं बॉडी में, और बहुत ही अच्छी चीज है, आपकी ओवरऑल डाइट में दही होनी चाहिए दिन भर में, ठीक है। उसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन आप यहाँ पे 4 से 5 पीसेस, देखिए एज अ बिगिनर बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, 4 से 5 पीस ठीक ठाक छोटे वाले इनफ रहेंगे, आपको इनफ प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएंगे, अमीनो एसिड्स जो मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, जो मसल टूट रहे हैं उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ रोटी का अगेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी सस्टेन मिलेगी, लिफ्ट करने की जो ताकत होती है ना वजन को, वो आपको ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसी से मिलेंगी, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, कोई भी हो, ठीक है। अब ये जो मील्स है ना इतने सारे जो मैंने आपको बताए यानी कि टोटल 4, अब आप सोचेंगे कि भाई हो सकता है कि एज अ बिगिनर मेरी जो रिक्वायरमेंट है कैलरीज वो बहुत ज़्यादा हो और किसी की बहुत कम हो, तो ये जो पोर्शन साइजेस आपने बताए हैं ये तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए फिट हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब एक इन जनरल प्लान बताया जाता है ना तो उसमें इसी तरीके से यू नो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर मैं स्पेसिफिक प्लान बताने लग जाऊंगा तो मुझे आपको पूरा कैलोरीज काउंट समझाना पड़ेगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स समझाना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं वो समझाना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है ठीक है वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल अगर तरीके से समझना है, बहुत ही बेसिक तरीके से लेमेंस लैंग्वेज में आसान भाषा में, तो उसका यही तरीका है। जब आप शुरुआत करोगे इन खानों से तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा आने लग जाएगा कि नहीं मेरे बॉडी के लिए ये बहुत कम हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा दोगे, जहाँ पे 2 रोटी खा रहे हो वहाँ पे 3 खाने लग जाओगे, जहाँ पे राइस 1 प्लेट है तो वहाँ 1.5 कर दोगे, तो वो अपनी बॉडी के हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए बिगिनर के लिए ये बहुत सही तरीके से एक फ्रेम मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप इस्तेमाल करो, हमारी जो सीरीज चल रही है बिगिनर सीरीज वर्कआउट की उसको पूरा फॉलो करो और रेगुलर बेसिस में आप इसको इस्तेमाल करो। आप चाहें तो किसी दिन आपको अगर सेम फूड नहीं खाना है तो आप इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर सकते हो, पनीर नहीं खाना है पनीर की जगह पे सोयाबीन चाप बना लिया आपने एज अ वेजिटेरियन, नॉन वेज आप हो और आपको नहीं मन है चिकन करी खाने का तो वही फिश करी बना ली, है ना। तो इस तरीके से आप चेंजेस मैनिपुलेशन कर सकते हैं, पोर्शन साइजेस पे ध्यान देना बस कि भाई इतना खाना है मुझे, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि 4 से 5 महीने जब आप लगातार इसको खा रहे हो ट्रेनिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली जिम में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल में शेप आने लग जाएगा, बॉडी का फैट कम होने लग जाएगा, इसे कहते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। अगर आपको ये वीडियो देखना है ना रिकॉम्प के ऊपर बॉडी रिकॉम्पोजिशन, मुझे कॉमेंट करके बताओ, और बहुत सारे कॉमेंट आएंगे तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एज अ बिगिनर बॉडी रिकॉम्पोजिशन यानी कि फैट का कम होना और मसल का बढ़ना साथ साथ इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को तो क्लिक करना ही, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज बताना कि आपको और क्या देखना है इसमें, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून, जीत सलाल साइनिंग ऑफ।